मोहम्मद सईद मेमन वेलफेयर सेक्रेटरी डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन डिक्लेरिया। इस वक्त आज 4 अगस्त 2021 को हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेकंड डे COVID-19 के अगेंस्ट की जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है उसका माशाल्लाह दिन चल रहा है हमारा। यहाँ पे सारी हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है हमारे प्रेसिडेंट जुबैर बेग साहब की क्यादत में मुकम्मल टीम मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम भी हमारा बहुत साथ दे रही है। कल हमने पहला दिन जो ये वैक्सीनेशन की लोगों की, जिसमें हमने साइन ऑफ फॉर्म उनको लगाई और उसमें हम तकरीबन 800 से 900 तक कल लगा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की डेट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1200 से 1500 मेडोना हम लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से हमें वो सब वैक्सीन मिल चुकी हैं और लोग आ रहे हैं, फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। डिफ्थेरिया की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझ सकता हूँ कि ये पहला दिन ऐसा है कि जिसमें फैमिलीज के साथ लोग डिफ्थेरिया ऑफिस आके अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। जिस तरह आप सबको मीडिया वालों को तो हमसे ज्यादा पता होता है कि पूरे शहर में इस वक्त वैक्सीनेशन के क्या हालात चल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग 4-4, 8-8 घंटे तक इंतजार करके वापस आ रहे हैं, जिसपे हमारे जो मैनेजिंग कमेटी के और हमारे डिफेंस एंड क्लिफ्टन के कुछ सीनियर हजरात हैं उन्होंने हमें स्पेशली इसके ऊपर जोर दिया कि सईद भाई आप एज एन वेलफेयर के काम में इस पे इलेक्शन में जीत कर आए हैं तो ये आपका शोभा है, तो आपने ये काम किसी भी हाल में करना होगा। मैं और मेरे प्रेसिडेंट हम 7 मई सन 2021 से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस को लेटर लिख चुके थे जो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। कुछ वजूहत की बिना पे उस वक्त वो काम नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, अल्लाह की बेहतरी अब कल से शुरू हुई और कल से माशाल्लाह हमारा ये काम हुआ है। ये कैंप हमारा 3 दिन चलेगा। हमारे जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं डिफेंस और क्लिफ्टन के, उनकी फैमिलीज को एसोसिएट मेंबर, वो सब आए और हमारा साथ दें। और सबसे बढ़ के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अल्लाह की रजा के लिए ये काम है और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और मुनज़्ज़िम अंदाज से प्लीज 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 हमारा साथ दें। आवाम का ज्यादा रश लग जाता है तो कोविड SOPs में फिर प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा मैं जो मेमन न्यूज है और उनके लिए भी मैं इसके तारीफ के अल्फाज कहने से रुक नहीं पाऊंगा कि उन्होंने भी इस हमारे इवेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है। दूसरा दिन है, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 800 एजेंट्स को वैक्सीनेट किए, आज हम 1000 से 1500 बंदे को वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने हमें वाफर मिकदार में वैक्सीनेशन दी है और हम अपने तमाम मेम्बरान को, मेम्बरान और उनकी फैमिलीज को, उनके लिए हम लोगों ने ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे देख रहे हैं स्मूथली लेडीज का हमने अलग सेक्शन बनाए हुए, जेंट्स का अलग सेक्शन पर अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से 2000 बंदे को हम आज वैक्सीनेट करेंगे। इसमें मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं। अगर इस सिलसिले में मैं अपने पहले पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, मेरे 30 रुकन है जिसमें मेरा वेलफेयर सेक्रेटरी सईद मेमन है जी। इस सिलसिले में मैं मेमन न्यूज का शुक्रिया अदा करूंगा जो स्पेशल यहाँ आई और हमारा जो है ना यहाँ पे पूरा वैक्सीनेशन सेंटर विजिट किया। थैंक यू। हेलो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।